हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने पटर की सब्ज़ी बनाई है। आप इस तरह बनाएंगे, आपको बहुत ही अच्छा बनेगा। और इसके साथ में हमने सूप भी बनाया हुआ है ब्रेकफास्ट के लिए। ये देखिए, इस तरह से आप भी बनाएंगे, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और खाने में भी बहुत ही टेस्टी ये बनता है। किसी वक्त बना सकते हो, 5 मिनट में जल्दी ये बन जाता है। चलिए हम सब्ज़ी पहले तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने देखिए मटर और आलू को तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस तरह से फ्राई करने से क्या, हमारा सब्जी भी पक जाती है और जल्दी से बनता है। हम इसे टिफ़िन के लिए बना रहे हैं, आप किसी वक्त आप इसे बना करके खा सकते हैं। देखिए, अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं और इन्हें हम निकाल लेंगे प्लेट में। देखिए इस तरह से, देखिए हमने मटर का छिलका निकाल करके इसे फ्राई किया हुआ है। आप छिलका के साथ में भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह सभी को हम कर लिए। यहाँ पे देखिए, हम चॉपर में इसे चॉप कर लेते हैं मसाले। देखिए, अब तेल में हम डाल देते हैं जीरा, सरसों और थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे मेथी। इनको चटकने देंगे। देखिए ये हो गया हमारा। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्चा पाउडर डाल देंगे इस तरह से। अब देखिए, हमने चॉपर में मसाले को अच्छे से चॉप कर लिया था, इसे इसमें डाल देंगे। चॉपर में चॉप करने से बहुत ही अच्छा आता है टेस्ट। आप किसी वक्त इसे बना सकते हैं, अच्छा लगता है खाने में। अब मसाले में हमने प्याज, लहसुन, मिर्ची, टमाटर, इन सब को अच्छे से एक साथ में हमने इसमें चॉपर में चॉप कर लिया था। और इससे बहुत अच्छा, अगर आपका सिलवट हो तो आप सिलवट पे भी आप इसे बना सकते हो, सिलोड़ा पे। इससे भी बहुत अच्छा बनता है, मसाला हमारा तैयार होता है। और इसमें देखिए, हम डाल देते हैं लाल मिर्चा पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। इस तरह से आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। देखिए अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेते हैं। देखिए ये मिक्स हो चुके हैं, इन्हें पकने देंगे इसी तरह। देखिए तेल ऊपर आ गया, हमारा मसाला तैयार हो गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। आप इस तरह से बनाएंगे, आपको भी पसंद आएगा। किसी वक्त आप इसे बना करके खा सकते हैं, टिफ़िन में, लंच में, डिनर में, जब भी आपका मन हो। देखिए इसमें हम डाल देते हैं सब्जियाँ, सभी को इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से इन सबको अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जब ताकि अच्छे से सेट हो जाए मसाले के साथ में। और देखिए, हमने जिस प्लेट में इसे रखा हुआ था फ्राई करके निकाल करके, उसी प्लेट को हम धो करके इसमें डाल रहे, ताकि जो तेल है वो भी इसमें चले जाए। देखिए अच्छे से ये हो गया। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उतना ही पानी डाल दीजिएगा। अब स्वाद के हिसाब से हम इसमें नमक डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। 5 से 6 मिनट के लिए इसे हम ढक देंगे, जिससे अच्छे से पक जाए हमारी सब्जियाँ। और ये जल्दी से पक जाएगा, क्योंकि पहले से पकी हुई है सब्जियाँ हमारी। ये देखिए ये हो गया, गैस बंद कर दिए हैं हमने। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डालेंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ग्रेवी हमारी। आपको जितना ग्रेवी चाहिए उतना ही डालिएगा पानी। देखिए बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती हम इसमें डाल देंगे इस तरह से। देखिए हमारी सब्जियाँ हो गई है तैयार टिफिन के लिए। अब हम बना लेते हैं सूप। ये देखिए इस तरह से, चलिए सूप बनाते हैं। देखिए हमने सूप का पैकेट ले लिया है, इस तरह से पैकेट आता है, इसमें तैयार रहता है। इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ गर्म पानी में इसे बनाना होता है और जल्दी से बन जाता है। और सभी चीज़ें इसका लिस्ट लिखा हुआ रहता है कैसे आपको बनाना है। चलिए इन्हें बनाते हैं। इसके लिए हमने देखिए एक बर्तन ले लिया, इसमें आधा कप पानी डाल देंगे इस तरह से। इसे उबलने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा पानी उबल रहा है, तब तक हम कटोरी में ले लेते हैं सभी मसाले। ये देखिए इस सभी को हम डाल देंगे इसमें। देखिए इसमें सभी चीज़ रहता है, आपको अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको लगे कि हाँ मैं और चीज़ इसमें डालना है, ऐड करना है, तो आप डाल सकते हैं। देखिए गर्म पानी भी हो गया है, इसमें हम डाल देते हैं इसमें। ये देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स करते हुए धीरे धीरे हमें पानी डालना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए अच्छे से ये मिक्स हो चुके हैं। इन्हें 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे अच्छे से मिक्स करके।
देखिए अभी ये पतला दिख रहा होगा आपको, और ये देखिए इसे हम ढक देंगे। 5 मिनट के बाद इसे हम चेक करेंगे। देखिए थोड़ा सा इसका बैटर, देखिए थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है ये। इस तरह से आप भी बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी 5 मिनट में ये सूप तैयार हो जाती है। आप ब्रेकफास्ट में इसे ले सकते हैं, आपके सेहत के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। आप किसी वक्त इसे बना करके खा सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।